है तो उस मुताले से वाजिया तौर पर हमें ये नज़र आता है कि ये बिल नामंजूर होने के लिए ही लिखा गया है। उसकी साफ वर्डिंग जो है एक अजीब व गरीब जो है खतूत के ऊपर है कि जी अगर कोई अगर किसी ने इस्लाम कबूल करना है तो वो 3 महीने तक मुताला करेगा, बाद उनके इतादा को उनके टीचर को जो है वो सजा जो है सजाएँ दी जाएंगी। इतना अजीब व गरीब मजाका खेज ये बिल है और लगता ये था कि ये वाकई जब स्टैंडिंग कमेटी में या असम्बली में जाएगा तो कोई शख्स भी इसको मंजूर नहीं करेगा। हुकूमत ने यह सिर्फ आलमी दबाव की वजह से और अपने मौशी तफ़ुज़ात की वजह से अपने मौशी मफादात की वजह से ये बिल आलमी ताकतों को यूरोपियन यूनियन को ये दिखाने के लिए पेश किया कि देखें हमने ये बिल जो है असम्बली में पेश किया, लेकिन यहाँ पर कुछ फंडामेंटल कुवतें, यहाँ पर तालिबानाइजेशन, यहाँ पर मुल्ला आज़म इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी तरह ये बिल जो है वो मंजूर नहीं होने दिया जा रहा। दूसरी तरफ फौज की जो ये बी टीम जो है ये मुतालबा कर रही थी कि जी फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, ये सिर्फ दिखाने के लिए और आलमी ताकतों को कि यहाँ पर जी इतना मुल्ला आज़म और मजहबी ताकतें ताकतवर हैं कि यहाँ पर कोई कानून जो है वो पास नहीं किया जा रहा। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, स्पेशली वकला बरादरी से, स्पेशली जो ये पार्लियामेंटेरियन है, कि इस बिल को जो है रिव्यू किया जाए, इस बिल को दोबारा उसकी जो है जांच पड़ताल की जाए और उसकी वर्डिंग चेंज करके दोबारा असेंबली में पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.